महेश और नीरज पड़ोसी थे, दोनों के ठेले थे। महेश का नारियल पानी का ठेला था और नीरज का आइसक्रीम का ठेला। रोज सुबह 9 बजे दोनों अपने ठेले को लेकर निकल जाया करते थे और फिर पार्क के बाहर अपना ठेला लगा दिया करते थे। महेश नेक दिल इंसान था जो दूसरों की मदद करता था। पार्क के बाहर एक गरीब भिखारी बैठा करता था। महेश उसके लिए रोज घर से खाना लाया करता था। ये लो चचा, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। महेश को गरीबों की मदद करना पसंद था, वहीं नीरज खुद गर्ज था। अरे भाई महेश, ये तुम रोज रोज इस भिखारी को खाना क्यों लाते हो? ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है जो तुमने इसकी जिम्मेदारी उठा ली है। अरे भाई, बेचारा गरीब है, मुझसे बन पड़ता है, इसलिए इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन ये सब फिजूल के खर्चे हैं, तुम्हें तो पैसे की बचत करनी चाहिए भाई। वैसे भी तुम खानदान वाले हो, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन इस छोटी सी मदद से मुझे नहीं लगता कि मेरा खर्च कम हो जाएगा। ऐसे भी गरीबों की मदद करना या ना करना, ये तो सबकी अपनी ख्वाहिश होती है। और उसी वक्त महेश के ठेले पर खरीदार आ गए। अरे भाईजान, दो नारियल पानी दे दो। जी जनाब। महेश नारियल पानी दे ही रहा था कि दूसरे खरीदार आ गए, और देखते ही देखते खरीदारों की कतार लग गई। कुछ ही घंटों में महेश के आधे से ज्यादा नारियल फरोख्त हो गए। ये सब नीरज देख रहा था। मालूम नहीं इसके नारियल पानी में क्या है, फौरन सारे नारियल फरोख्त हो जाते हैं, और यहाँ मैं सुबह से खड़ा हूँ, मेरी तो एक भी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हुई। नीरज को दिल ही दिल में महेश से हसद हो रही थी। दोपहर तक महेश के सारे नारियल खत्म हो गए और वो घर की जानिब रवाना हो गया, और यहाँ नीरज हसद से राख हुआ जा रहा था। आज मैं इसका कुछ करके ही रहूंगा। रास्ते में महेश को एक और गरीब खातून नजर आई। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, है ना? महेश ने बगैर सोचे अपना डिब्बा उस गरीब खातून को दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफ़ा खातून ने महेश को दुआएं दी और वो अपने घर चला गया। रमा, आ गए आप? आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, सारे नारियल फरोख्त हो गए, और हाँ, आज मैंने अपना डिब्बा एक मुफलिस ज़ईफ़ा खातून को दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने खाना पका लिया है, आइए साथ में खाते हैं। हाँ, ये हाथ गाड़ी यहीं लगा कर आता हूँ। ठीक है। रोज की तरह महेश ने वो हाथ गाड़ी अपने दरवाजे पर लगाई और घर के अंदर चला गया। शाम के वक्त महेश नारियल खरीदने के लिए निकला और उसने नारियल खरीद कर अपने घर के बाहर ही रख दिए। अरे रमा, आज तो रोज से दुगना नारियल खरीदा है, इतना सारा वजन उठाकर मैं थक गया हूँ, थोड़ी चाय बना दो। हाँ। उसी वक्त नीरज अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर घर पहुँचा। नीरज ने वहाँ रखे नारियल देखे और हाथ गाड़ी भी, और उसके खुराफाती दिमाग में मंसूबा बन गया। अब देखता हूँ तू कैसे पैसे कमाता है। रात को सब जब सो रहे थे तो नीरज खामोश कदमों से अपने घर से बाहर आया। उसने महेश के घर के बाहर रखे सारे नारियल और उसकी हाथ गाड़ी उठा ली। अब देखता हूँ बगैर नारियल और हाथ गाड़ी के कैसे सबकी मदद करेगा। अब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। नीरज ने वो नारियल और हाथ गाड़ी अपने घर के पीछे आंगन में ही छुपा दी और सभी चीजों को एक घास से ढक दिया। महेश का बुरा करके नीरज बेहद खुश था। उस रात उसे बड़ी सुकून की नींद आई। अगली सुबह जब महेश घर से बाहर आया तो उसकी हाथ गाड़ी और नारियल सब गायब थे। अरे रमा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? सब कुछ चोरी हो गया, मेरी हाथ गाड़ी और नारियल सब कुछ। हे ऊपर वाले, नारियल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब हमारा क्या होगा? महेश ने अपना सिर पकड़ लिया और रमा भी परेशान थी। आप एक मर्तबा पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कराइए, हमें हमारी हाथ गाड़ी जरूर मिलेगी। एक बार चोरी हुई चीज भला किसी को हासिल होती है क्या? तो अब हम क्या करें? मालूम नहीं, देखता हूँ कहीं से पैसों का इंतजाम होगा, तभी नारियल खरीद कर फरोख्त कर सकता हूँ। हाँ, यही वाजिब होगा। परेशान महेश एक साहूकार के पास गया।
हुजूर, मेरी हाथ गाड़ी चोरी हो गई है और नारियल भी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं हर माह आपके पैसे लौटाता रहूंगा। नहीं नहीं, मेरा कारोबार वायदे से नहीं चलता। कुछ गिरवी रखने को हो तो ले आओ और फिर पैसे लेकर जाओ। महेश मायूस हो गया। उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। न मेरे पास सोना है, न एक खुद का घर। अब मैं भला क्या गिरवी रख सकता हूँ? हे भगवान, मेरी मदद करो। महेश इन्हीं ख्यालों में खोया चलता रहा। चलते चलते वो पार्क के पास आया। उसे वहाँ वही ज़ईफ़ शख्स नजर आया। आज महेश के पास उसके लिए खाना नहीं था। महेश ने पास के ठेले से कुछ समोसे खरीद लिए और फिर उस गरीब को दे दिए। माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए घर से खाना नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, आज तुम खुद परेशानी में हो बेटा। तुमने मेरे लिए इतना किया है, यही बहुत है। ये लो। उस ज़ईफ शख्स ने महेश के हाथ में एक हाथ गाड़ी का खिलौना रख दिया। ये क्या है? इसे घर ले जाओ। ये क्या है? इसका इल्म तुम्हें कल होगा। ठीक है, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। महेश वो हाथ गाड़ी का खिलौना लेकर अपने घर आ गया। कुछ हुआ क्या? नहीं, साहूकार ने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया। और हाँ, ये देखो। महेश ने अपनी जेब से वो हाथ गाड़ी का खिलौना निकाला। ये क्या है? अरे, जिस मुफलिस ज़ईफ शख्स को मैं रोज खाना खिलाता हूँ ना, आज उन्होंने मुझे ये दिया है और कहा है कि ये क्या है, इसका इल्म तुम्हें कल ही होगा। इस छोटी सी हाथ गाड़ी को हम यहीं रख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मुझे बेहद भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। पूरा दिन महेश और रमा इसी जद्दोजहद में रहे कि वो कैसे पैसों का इंतजाम करें। और यहाँ इनके मायूस चेहरे देखकर नीरज बेहद खुश था। ये हुई ना बात। इस रात भी नीरज चैन की नींद सोया, लेकिन अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो उसका आइसक्रीम का ठेला एक छोटे खिलौने में तब्दील हो चुका था। और यहाँ महेश के घर में करिश्मा हो गया। जब महेश और रमा उठे तो उनके सामने एक नई हाथ गाड़ी थी जिस पर बहुत सारे नारियल थे। हे भगवान, वो छोटी सी हाथ गाड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? कुछ वक्त बाद महेश अपनी नई हाथ गाड़ी लेकर बाहर निकला और ये देखकर नीरज ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने तो महेश का बुरा करना चाहा था, ऊपर वाले ने मेरे साथ ही बुरा कर दिया। नीरज ने महेश का बुरा चाहा, लेकिन महेश को जादुई नारियल का ठेला उसकी नेकी की वजह से हासिल हुआ। नीरज को अपने बुरे काम का बुरा फल मिला और महेश को अपने नेक काम का अच्छा फल। इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
शुभम और रवि दोनों भाई थे। उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद दोनों ने घर का बंटवारा कर लिया। आधे हिस्से में बड़ा भाई रवि अपनी बीवी के साथ रहता था और आधे हिस्से में शुभम अपनी बीवी साधना के साथ रहता था। जैसे घर का बंटवारा हुआ था वैसे ही दुकान का भी बंटवारा हुआ था। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आधी दुकान में रवि स्त्री का काम किया करता था और आधी दुकान में शुभम और साधना ढाबा चलाया करते थे। आ गई बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी चाय मैं अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। हाँ। रवि और शुभम दोनों भाइयों में कोई रंजिश न थी। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। भाईजान कल सुबह घर पे मुर्गा पकाने वाले हैं, आ जाना आप। हाँ हाँ, तेरी भाभी से छुपकर आ जाऊंगा। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए भी मुर्गा पका दूंगी। ना 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 ना, ऐसा ना करना। मैं अपनी बीवी को बखूबी जानता हूँ। वो ना मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाने देगी और ना खुद खाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। कम से कम मैं छुप छुपा कर तुम्हारे हाथ का जायकेदार खाना तो खा सकता हूँ। ठीक है जेठ जी। साधना ने रवि को चाय पेश की और फिर ढाबे का काम शुरू किया। खरीदार आने लगे। बाजी, दो चाय और एक ऑमलेट पाओ। ठीक है भाईजान। साधना किचन संभालती और शुभम खरीदारों को। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। सुबह से शाम तक उनका ढाबा चलता रहता और फिर शाम के समय साधना सबके लिए नाश्ता बनाती। जी जी आइए, मैंने आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी बनाई है। अभी आया। साधना, रवि और शुभम एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। खुश रहो बहू, तुम्हारे जैसी बहू हर खानदान को मिलनी चाहिए। तुम जैसे शुभम की मदद करती हो, मैं भी सोचता हूँ कि काश गायत्री भी मेरी ऐसे ही मदद करती। कोई बात नहीं भाईजान, कहते हैं ना, माले में सारे मोती एक तरह के नहीं होते। वैसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं। अलग होना भी ठीक है, गायत्री को तो बस लड़ना झगड़ना आता है। शादी के बाद तुमसे लड़कर बंटवारा करा दिया और अब तुम अलग हो गए हो तो मुझसे लड़ती है। मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। मेरी छोड़ो, तुम दोनों के लिए मैं बेहद खुश हूँ। ऊपर वाला तुम दोनों को कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया जेठ जी। भाईजान, कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ का पकाया जायकेदार मुर्गा कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी बीवी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू, बहू जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी पेश करती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना पेश किया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए नोश फरमाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक रोज शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भाईजान, मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ, आप जरा साधना का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है, रुको 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं चला जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, साधना तनहा संभाल लेगी भाईजान। हाँ हाँ, मुझे इल्म है, लेकिन मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भाईजान। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला गया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो, मैं हूं ना, थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे गुफ्तगू भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि यकायक गैस खत्म हो गई। अरे रे रे रे, ये भी अभी होना था।
क्या हुआ बहू? जीत जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है, अब मैं क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक और मसाला, प्याज मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपने दुकान से एक नई स्त्री लेकर आया। इस स्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तुमने वो बिजली से चलने वाला चूल्हा देखा है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये स्त्री है। तुमने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस स्त्री पे डाल दो। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने स्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब स्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी स्त्री पर अंडे का ऑमलेट घोलकर डाल दिया और वो अंडा पकने लगा। देखा, करीब 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे ये कैसा ऑमलेट है, मुसल्लस शक्ल का? ये नया है भाईजान, आप खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत लजीज लगा। जायका तो बहुत खूब है और शक्ल भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहक ने भी उस त्रिकोण ऑमलेट का ऑर्डर दिया। मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट चाहिए। मुझे भी। साधना स्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाती गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर लगा मजमा देखकर हैरान रह गया। अरे ऐसा मजमा क्यों? ये मजमा जेठ जी के स्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। स्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को स्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बयां किया। अरे देख, मुसल्लस ऑमलेट खाने के लिए कितना मजमा लग गया है। वाह भाईजान, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक रोज रवि अपने घर पर नोश फरमा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के मुतालिक सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतना मजमा लगा रहता है ना कि कभी कभी ख्याल आता है कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते। मेरे पास भी बहुत पैसे होते शुभम की तरह। क्या हम एक मर्तबा शुभम से इसके मुतालिक बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप कह दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो दिल ही दिल में बेहद खुश था, वो तो कबल से ही यही चाहता था। कुछ रोज बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा चलाने लगे। स्त्री वाले ऑमलेट की वजह से न सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा हुआ बल्कि उनका बिखरा हुआ खानदान भी फिर से एक हो गया। मंगलपुर नाम के एक कस्बे में एक छोटा सा खानदान रहता था जिसमें सविता नाम की एक खातून और उसके फर्जंद थे। अपने शोहर के अचानक इंतकाल के बाद घर का पूरा बोझ सविता पर ही आ गया था। 2 फर्जंदों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब खैरियत से तो है ना? श्रीधर भाईजान, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश की है मैंने। अब उनके शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई का वक्त आ गया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ नाइंसाफी होगी, ऐसे में मैं क्या करूँ? तुम पुरसुकून हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज्यादा होशियार है। वैसे तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है लेकिन मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो फिर बस, मानव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी।
तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं मुकर्रर करवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बेहद था, लेकिन अपने घर की हालात से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और 3 साल बाद मानव को एक बहुत बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। अम्मी ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? फूड क्या? फूड चेन में अम्मी, जब कोई शख्स अपने होटल अलग अलग शहरों में खोल लेता है उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भाईजान? बिल्कुल सही फरमाया तूने। 5 सितारा रेस्तरां में अम्मी बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी, धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में मानव की तरक्की जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाती है और वो अतुल और सविता को शहर ले जाता है। अम्मी कल मेरे बॉस रात को खाने के लिए आ रहे हैं, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे खानदान को यहाँ ले आया हूँ तो वो बेहद खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। लेकिन अम्मी तुम तो बीमार हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम फिक्र मत करो भाईजान, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैं हरिया हलवाई के पास बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना अतुल, बॉस 5 सितारा रेस्तरां के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की जरा भी फिक्र मत कीजिए भाईजान, बस काम पर तवज्जो दीजिए, देखना खाना खाते ही आपकी डबल तरक्की पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले रोज अतुल खूब दिल लगाकर बहुत सारे जायकेदार खाना बनाता है। भाईजान लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा, और सुन तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अतुल ये सुनकर काफी मायूस हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए जनाब आइए। अस्सलाम वालेकुम मानव। वालेकुम सलाम जनाब, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। वाह मानव, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है, तुम्हारी अम्मी और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ जनाब। अम्मी, ओ अम्मी, बॉस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसकी अम्मी और उसका बॉस एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानव का बॉस बेहद खुश होता है। एक तरफ कांचे, दूसरी तरफ चाकू और चम्मच, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम सलीके से था। उम्मीद करता हूँ कि आपको खाना अच्छा लगा जनाब, ये कमाल का है, किसने बनाया है? जी मेरे छोटे फर्जंद ने, अतुल। अरे मानव, अतुल घर पे ही है, अभी तक तुमने उसका तारुफ नहीं करवाया मुझसे। वो जनाब, वो खाना बनाने में मशरूफ था ना, इसलिए। अतुल, अतुल बेटा इधर तो आ जरा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, बहुत लजीज खाना बनाया है तूने तो, कहीं से खाना बनाने की तालीम हासिल की है क्या? नहीं नहीं जनाब, ये तो हमारे गांव के एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अतुल फिर से मायूस हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। रुखसत होने से पहले अतुल मानव के बॉस अतुल को एक पेशकश करते हैं। खाना खाकर मजा आ गया, ना सिर्फ खाना बल्कि टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था अतुल ने। सुनीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा, आपका बेटा बहुत हुनरमंद है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या अतुल वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? लेकिन जनाब, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो तुम्हारी परेशानी नहीं है मानव, मुझे बस जायका उम्दा चाहिए और कुछ नहीं। अतुल,
तुम कल मानव के साथ दफ्तर आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बेहद खुश हो जाता है, लेकिन मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले रोज अतुल वहाँ पहुँच कर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए जनाब, दाल बाटी चूरमा इटालियन ट्विस्ट के साथ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, आ हा 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 हा। क्या आपको अच्छी लगी जनाब? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों, हैरत में पड़ गया ना? क्या हुआ जनाब, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? वो अतुल, मैंने इस रेस्तरां के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और ये बात करते हुए सविता बहन ने तुम्हें फोन पर सुन लिया और मुझे पहले ही इत्तला कर दिया। इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे बर्खास्त कर दिया। लेकिन भाईजान, ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूँ मानो। नहीं जनाब, ऐसा मत कीजिए। मेरे भाईजान दिल के बुरे नहीं है, आप उन्हें नौकरी से बर्खास्त मत कीजिए। देखा मानो, तूने क्या कुछ किया, लेकिन फिर भी अतुल तेरे से कितनी मोहब्बत करता है। मुझे माफ कीजिए जनाब, मुझे माफ कर दो अतुल। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।